चलिए, IFTTT का जो प्रोजेक्ट हमने कल एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, बल्कि उस प्रोजेक्ट को राधर हमने कंप्लीट ही कर लिया था। आज हम लोग को उसका सेकंड पार्ट करके देखना IFTTT का, विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ अवर IFTTT विथ माई थिंकस्पीक क्लाउड एंड वी नीड टू कंट्रोल अ डिवाइस। सो लेट जस्ट डिस्कस अबाउट द सिनेरियो, राइट? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, नाउ लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन एंड लेट्स डिस्कस कि क्या इम्प्लीमेंट करना है, उसको अच्छे से समझिएगा। कल वाली ऐप आप लोग के पास में आज भी होनी चाहिए ऑब्वियसली, IFTTT एंड योर थिंक स्पीक। ठीक है, तो व्हाट वी विल बी हैविंग, या हमें करना क्या है, आई वांट टू कंट्रोल माय IoT डिवाइस यूजिंग माय स्मार्टफोन। तो लेट्स से दिस लेफ्ट हैंड साइड इज माय IoT डिवाइस, सॉरी माय स्मार्टफोन, एंड राइट हैंड साइड आई हैव माय नोड MCU, माय IoT डिवाइस। ठीक है, एंड देयर इज अ LED और एनी डिजिटल पिन व्हिच इज कनेक्टेड हियर। ठीक है, तो हम फिलहाल एक LED मान लेते हैं जो D0 पिन पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। फिलहाल हम सिर्फ इस LED को कंट्रोल करेंगे, बट यू कैन कंट्रोल जितनी डिजिटल पिन से, आप उसकी वैल्यू को 1 या 0 कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्टफोन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये जो मेरा नोड MCU है राइट हैंड साइड में, इस नोड MCU से मेरे को कनेक्शन बिठाना है। तो एट दिस इज माय नोड MCU, ठीक है, और माय रिसीवर IoT डिवाइस, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। राइट हैंड साइड पे मेरा स्मार्टफोन है, ठीक है। अब इस स्मार्टफोन के अंदर एक ऐप हम यूज करने वाले हैं जो सभी एंड्रॉइड फोन्स में होती है, विच इज गूगल असिस्टेंट। ठीक है, कैसे इंटरफेस करेंगे इन दोनों का? तो गूगल असिस्टेंट पे हम एक मैसेज लेट से टाइप करेंगे। बिफोर डेट कैन anyone टेल मी कि ये जो नोड MCU है, इसमें जो LED होती है ये किस कलर की होती है? व्हाट इज द कलर, जब ये LED ग्लो करती है तो किस कलर में ग्लो होती है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। सो आरुषि इज सेइंग ब्लू, योगेश इज सेइंग रेड, तनुश्री ब्लू, शुभम तिवारी ब्लू, व्हाट अबाउट ऑल अदर्स? Uma is also saying it is of blue color. What about other people? Baki log bataein bhai, what is the color? We have 25 people. Node MCU pe jo LED hoti hai uska color kya hota hai? Okay, so it is, yes, it is of blue color. अब आपको ये दोनों चीजों को इंटरफेस कराना है, कैसे करेंगे देखते हैं हम, है ना? तो आप गूगल असिस्टेंट पर टाइप करके या वॉइस कमांड के थ्रू, लेट से हम बोलेंगे, और रादर लेट्स स्पीक, बोलेंगे ब्लू लाइट ऑन। ठीक है, तो ब्लू लाइट आए ना बोले, टाइप करें, उससे हमारी जो ब्लू लाइट है इस नोड MCU की वो ऑन हो जानी चाहिए। लाइकवाइज मैं एक और अगर मैं बोलता हूं ब्लू लाइट ऑफ, ठीक है, सो व्हाट शुड हैपन, ये जो LED है मेरी, सॉरी ये जो मेरी LED है नोड MCU से कनेक्शन वाली, ये नोड MCU की LED जो है वो टर्न ऑफ हो जानी चाहिए अगर मैं ये कमांड देता हूँ। ठीक है, अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको IFTTT और आपका थिंकस्पीक दोनों यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपका जो मोबाइल फोन है ये इस बार बात करेगा आपके IFTTT से, ठीक है, IFTTT से बात करेगा। गूगल ऐप तो ऑलरेडी आपके फोन में है ही, ठीक है। अब आपका यहां पर आप क्या करेंगे, there is one more thing inside this IFTTT which is used to receive Google commands, ठीक है,
आपके इस क्लाउड के अंदर एक चीज होगी जो कि आपके गूगल कमांड्स को रिसीव करेगा, है ना। एक हम इसका इंस्टांस जिंदा कर लेंगे, देन इसके बाद में इसी आपके IFTTT पर एक और एलिमेंट होगा जो कि क्या करेगा, आपका वेब रिक्वेस्ट सेंड करेगा। सो दिस विल बी यूज्ड टू सेंड वेब रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये कौन करेगा आपका, तो ये करेगा आपका वेब हुक्स करेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका चलिए इसके बाद हमने यहां से जो भी कमांड दिया वो कमांड हमें रिसीव हो गया किस पर, बाय दिस गूगल कमांड इंस्टांस। देन ये जो इंस्टांस है ये किसको ट्रिगर करेगा, ये एक वेब रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब किसे सेंड करेगा ये वेब रिक्वेस्ट, तो हमारा जो नोड MCU है उससे कौन सी चीज कनेक्टेड है, उससे कनेक्टेड है मेरा ThinkSpeak क्लाउड, ठीक है। तो यहीं पर एक और क्लाउड भी है जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं, विच इज माई ThinkSpeak क्लाउड। ये जो ThinkSpeak क्लाउड है, इस ThinkSpeak क्लाउड के अंदर देर इज समथिंग कॉल्ड, जो हम अभी तक यूज करते ऑलरेडी आ रहे हैं, कॉल्ड TalkBack, ठीक है। और इस TalkBack पर कुछ कमांड्स होती हैं जैसा कि आपको पता है। तो अगर इस TalkBack पे लेट्स से कमांड रिसीव होती है ऑन, ठीक है, तो सेम कमांड ये TalkBack किसको भेज देगा, इस LED को, और ये LED क्या हो जाएगी, आपकी ऑन हो जाएगी। अगर यहाँ पे कमांड जो है वो आ जाती है TalkBack पर ऑफ, तो ये LED ऑफ हो जाती है। ये हम करके भी देख चुके हैं, है ना। कितने लोगों को याद है ये कि TalkBack पर आप कमांड स्टोर करते हैं और उस कमांड की हेल्प से आप आपके नोड MCU को कंट्रोल कर सकते हैं या कोई भी आपके IoT डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर याद है तो प्लीज राइट रिस्पॉन्ड टू दिस मैसेज, टाइप वाई लेट्स से यस इफ यू कैन रिमेम्बर कि हमने नोड MCU पर LED को कंट्रोल किया था अभी 2-3 दिन पहले, ठीक है। यस सो यू रिमेम्बर, ठीक है। नोड MCU नहीं भी है तो भी आपके पास में फोन है, आपके पास में IFTTT अकाउंट है, आपके पास में ThinkSpeak की ऐप है, तो आप कम से कम इतना तो चेक कर पाएंगे कि आप आपके फोन से जब बोलेंगे कि भाई ब्लू लाइट ऑन ब्लू लाइट ऑफ, तो उससे ये TalkBack पर जो कमांड है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। इतना आप लोग को करना है। मेरे पास में नोड MCU है तो मैं आपको ये नोड MCU वाला पोर्शन भी बता दूंगा। बताने ऐसा एक्चुअली कुछ में कुछ है नहीं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सेम हमारा जो नोड MCU है वो जस्ट इस कमांड को रीड करता रहेगा, ठीक है। सो इट विल सिंपली रीड दिस TalkBack एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा कि LED ऑन करनी है ऑफ करनी है, जो भी जैसा भी करना है, ठीक। तो दिस इज माई इंटेंशन हियर। नाउ लेट्स सी हाउ टू डू दैट। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर, वो आपको एक TalkBack होना चाहिए। अब या तो आप कोई एग्जिस्टिंग TalkBack को चेंज कर लें या फिर आप एक नया TalkBack बना लें। आई विल प्रेफर कि आप एक नया TalkBack बनाएं, उससे हमें पुराना रिकॉल भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए एक स्पेसिफिक TalkBack हो जाएगा IFTTT और ThinkSpeak के इंटीग्रेशन वाला। तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू ओपन ईयर ThinkSpeak अकाउंट। जिसके पास में ऐप से कर रहे हैं, फोन से कर रहे हैं, वो वैसा यूज करें, ठीक है। ThinkSpeak अकाउंट अपना ओपन करिए, लॉग इन करिए उसमें, ठीक है। इस पेज पर आ जाएंगे आप। अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप करनी है, कितने लोग यहां पे पहुंच चुके हैं, जस्ट टाइप T फॉर ThinkSpeak। कितने लोग इस पोर्शन तक पहुंच चुके हैं प्लीज बताइए। लेट मी मूव दिस टू अ न्यू विंडो। सो सिर्फ दूर शरीफ पहुंचे, शालिनी, What about other people?
हाँ भाई, क्या आप लोगों ने आपका थिंक स्पीक का अकाउंट ओपन कर लिया है? अगर हाँ तो फटाफट से टी रिप्लाई करिए। जो पर्पस है वो ये है कि यू विल बी इंप्लीमेंटिंग अ होम ऑटोमेशन सिस्टम आउट ऑफ दिस, ठीक है? आपके वॉइस कमांड से दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, आप आपके घर पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो वो मुझे चाहिए आज, वैसा करना है। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम एक नया टॉकबैक क्रिएट कर लेते हैं। तो हम चले जाते हैं हमारे एप्स ऑप्शन के अंदर, और एप्स में आपको जाना है टॉकबैक ऑप्शन के अंदर, ठीक है? आपके पास में अभी एक या दो टॉकबैक बन गए होंगे इस पूरे के अंदर। दिस इज द टॉकबैक जो अभी तक हम यूज कर रहे थे, एक नया क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? तो आई विल गो फॉर अ न्यू टॉकबैक ऑप्शन, ठीक? अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो टाइप टी बी टॉकबैक, टी एंड बी, इफ यू हैव स्टार्ट क्रिएटिंग योर टॉकबैक अकाउंट। जितने ज्यादा लोग रिस्पॉन्स करेंगे उतना मुझे थोड़ा फीडबैक मिलता रहेगा ना कि आप लोग साथ में कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग देन हाउ विल आई नो। तो सिर्फ 5-6 लोग ही कर रहे हैं बस, विच आई कैन फिगर आउट। 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लोगों ने रिस्पॉन्स किया आउट ऑफ 28 पीपल वी हैव। चलिए, शालिनी ने कर लिया। किसी को कोई दिक्कत है, कोई यहां तक नहीं पहुंच पाया हो तो बताइए। सो लेट्स कंटिन्यू। नया टॉकबैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक यूनिक नाम देना पड़ेगा, है ना? यूनिक नाम हम दे देते हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू इज IFTTT एंड टॉकबैक इंटीग्रेशन, ठीक है? सो लेट्स गिव दिस, है ना, ये वाला नाम IFTTT_talkback हम नाम इसको दे देते हैं। कौन से चैनल को आप यूज करेंगे? तो हम IoT इंटर्नशिप चैनल को यूज कर लेते हैं, ठीक है? चैनल का इसमें कोई खास रोल है नहीं, लेकिन फिर भी आपको इसको किसी ना किसी चैनल से एसोसिएट करना होता है, ठीक है? इस प्रोजेक्ट में फिलहाल चैनल का कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि यू विल बी देर इज नो चैनल इन द पिक्चर। As you can see, ये जो हमने डिस्कस किया है इस पूरी कहानी में, कहीं पे भी हमने चैनल डिस्कस नहीं किया है, ठीक है? बट टॉकबैक के अंदर ये मैंडेट है कि आपको किसी न किसी चैनल के करेंगे, तो आई एम इंटीग्रेटिंग दिस टू माई चैनल विच आई एम यूजिंग दिस फॉर दिस ट्रेनिंग कॉल्ड IoT_internship चैनल, ठीक? अब आपको यहाँ पे कम से कम एक कमांड बनानी पड़ेगी जो हमारा नोड MCU रिसीव करेगा। तो मैं इसे पोजिशन 1 देता हूँ, और कमांड लेट से मैं इनिशियली दे देता हूँ ऑन, दे देता हूँ लेट से, ठीक है? एंड आई विल सेव दिस। आपको जो कमांड देनी है वो दे दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में वो कमांड एडिट हो ही जाएगी। तो अगर आप अभी सही नहीं भी दे रहे हैं, सो नो इश्यूज, ठीक? 2-3 चीजें आपको बाद में जरूरत पड़ेगी इसमें से, तो हम इसे ओपन रखेंगे, ठीक है? बंद मत करिएगा। और अगर आपके फोन में बंद वगैरह हो जाता है तो नोट करिएगा कुछ चीजें। सबसे पहले टॉकबैक ID, ठीक है? तो मैं इसको कहीं नोटपैड पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने टॉकबैक ID रख ली मेरी। देन व्हाट आई हैव इज API की, ये चाहिए पड़ेगी मेरे को, तो API की मैं रख लेता हूँ मेरे नए वाले टॉकबैक की। व्हाट इज माय API की? देन मेरे को कमांड ID की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो कमांड ID कहाँ गई मेरी? कमांड में मिलेगी, तो आप ये कमांड ID रख लीजिए, विच इज दिस वन। You need these 3 things. ठीक है, ये मैंने मेरे टॉकबैक में स्टोर करके रख ली है, ठीक? मैं इस पेज ओपन ही रखूंगा। यहां तक अगर आपने कर लिया है, सो जस्ट स्क्रोल डाउन एंड सेव दिस, ठीक है? और इट्स ऑलरेडी सेव, ओके, इट्स ऑलरेडी सेव, राइट? तो ये हो गया है। अगर आप यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है, सो जस्ट टाइप IFTTT टॉकबैक, सो दैट आई विल नो कि आपने ये चीज कर ली है ना? जस्ट टाइप IFTTT, रादर जस्ट टाइप IFTTT
सो डेट वी विल नो, आई विल नो कि आपने इतना कर लिया है. तो चार पांच लोगों के रिस्पॉन्स आ चुके हैं, बाकी लोग ठीक है. अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, हमने एक स्टेप कर लिए, वी हैव क्रिएटेड अ न्यू टॉक बैक विच विल कम्युनिकेट विथ आईओटी डिवाइस. ठीक है, आपका जो पर्पस है ना, आपके पास में क्योंकि नोड एमसीयू है नहीं मेरे ख्याल में, तो आप क्या करेंगे, आपके फोन से जब आप बोलेंगे कि भाई ब्लू लाइट ऑन ब्लू लाइट ऑफ, तो दिस थिंग शुड चेंज. ये ऑन जो है ये ऑफ में चेंज हो जाना चाहिए, ऑफ जो है आप जो बोलेंगे वैसा चेंज हो जाना चाहिए. इतना सबको करना है भैया, है ना, इतना सब करेंगे. इसके बाद का आपको आता भी है ठीक है, और नोड एमसीयू नहीं है तो उसको पुराने वीडियोस को देख के, आज वाले वीडियो को देख के बाद में उसको कंप्लीट इंप्लीमेंट कीजिएगा. उसी नोड एमसीयू से आप एक रिले लगा देंगे, मेरे ख्याल में काफी लोग ये शब्द समझते हैं रिले, इट्स अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, जिससे आप आपके घर का कूलर पंखा लाइट जो आपको बंद चालू करनी है वो कर सकते हैं. कल मेरे पास में 9 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस होते हैं एक नोड एमसीयू के अंदर, जो आप क्लियरली यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आप 2-3 और यूज कर सकते हैं थोड़ी जुगाड़ के साथ में. तो आप 12-13 डिवाइसेस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी स्पीड भी कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस थिंग. यहां तक हो चुका है एंड आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. आई हैव रिसीव ओनली 5-6 रिस्पॉन्सेज. हाउ मेनी रिस्पॉन्सेज आई हैव रिसीव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओनली 10 रिस्पॉन्सेज, 30 में से 10. तो 20 लोग क्या कर रहे हैं भाई. चलिए एनीवेज, ये आपका हो गया है, आप लोगों ने एक नया टॉकबैक बना लिया, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने नोट कर ली, नहीं करी है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जाके आप इसको नोट कर सकते हैं. आगे चलते हैं, IFTTT पे चले जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने यहाँ वाला थिंक स्पीक का काम तो कर लिया, ये मेरा हो गया. अब मुझे जो है वो क्या क्रिएट करना है, ये IFTTT का पूरा स्ट्रक्चर मेरे को डेवलप करना है मेरे IFTTT पे. तो आई विल स्टार्ट विथ माई IFTTT. IFTTT पे पहुंच जाते हैं अपन. तो जिसके पास में भी फोन पर ऐप है वो फोन की ऐप यूज करिए. I have this laptop, so I'll go with my laptop. Sorry, I have to log into IFTTT. Okay, I am already logged in, I guess. Okay. चलिए तो IFTTT पे चल जाएं, लॉग इन कर लें IFTTT पे. फोन में ऐप है तो वो ऑलरेडी लॉग इन हो गई आपका. अब आपको कल वाली ही स्टेप्स रिपीट करनी है, आपको एपलेट क्रिएट करना है. तो एपलेट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, यहाँ पे जाइए एंड यू विल फाइंड एन ऑप्शन कॉल्ड क्रिएट. ठीक है, आई हैव टू क्रिएट अ न्यू एपलेट. जब पर आ गए हैं सो सी फॉर क्रिएट, जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए अगर आप IFTTT पे यहाँ पे पहुंच गए. तो भरत आ चुका है इस पेज पर. नाउ वी हैव आयुष, तनुश्री, शुभम, तूर, नेहा, रिचा, निकिता, भास्कर, सृष्टि वी हैव. नाउ व्हाट, पीयूष जैन, पवन, उमा, उमा ने चलो रिस्पॉन्स कर दिया. विनय त्यागी इज नॉट प्रेजेंट टुडे, अच्छा ही इज ऑल्सो प्रेजेंट, सॉरी. पीयूष जैन ऑल्सो रिस्पॉन्डेड. चलिए लेट हो गया था यार, अंडरस्टैंड. एक्चुअली कई बारी हम लोग लेट रिस्पॉन्ड करते हैं और वो मेरी वजह से ही होता है. आप डिफॉल्ट टाइम जो है वो, चलिए अब तो एक दो दिन ही क्लास बची है. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. सबसे पहले क्या करना होता है, इफ दिस देन दैट. तो यस आई अंडरस्टैंड विनय, यू थॉट दैट द क्लास वॉज 7:30. It is possible, but no issues. Let's continue from here. तो यहाँ पे if this then that पे आपको जाना है, क्या करना है आपको, यहाँ plus वाले option पे आप click कर दीजिए. ठीक है, और आपको Google Assistant जो है वो search करना है. तो Google Assistant के लिए simple, बस Google search कर देंगे तो you'll have an option called Google Assistant. There are many things which you can explore. ठीक है, can use Google Calendar, Contacts, Docs, Drive.
ये सारा प्लेटफॉर्म सिर्फ IoT के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें इसके लिए होती हैं। सो वी विल यूज दिस गूगल असिस्टेंट ऑप्शन, विल क्लिक दिस गूगल असिस्टेंट। ठीक, यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं क्रिएट ट्रिगर तक, तो G फॉर गूगल जो है फटाफट से टाइप कर दीजिए इफ यू हैव रीच टिल दिस पॉइंट, G फॉर गूगल असिस्टेंट। वेरी गुड, ठीक है। अब ये चार पांच टाइप के ऑप्शंस हैं जो आप दे सकते हैं, है ना। सबसे पहले सिंपल फ्रेज जो जनरली आप यूज करते हैं कि भैया ओके गूगल बोल के कि सेट एन अलार्म और सर्च दिस थिंग राइट ओवर इंटरनेट, इस तरीके का हम सिंपल फ्रेज करते हैं। फिर इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको चेक करिएगा। ठीक, फिलहाल वी विल यूज दिस सिंपल फ्रेज ऑप्शन टू स्टार्ट। ठीक, सो क्लिक दिस ऑप्शन कॉल्ड से अ सिंपल फ्रेज। ठीक है, और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप ये टी फॉर ट्रिगर टाइप कर दीजिए, टी फॉर ट्रिगर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बोल सकते हैं गूगल से, और गूगल इज अ इंटेलिजेंट थिंग। आप एक ही चीज को दो तीन तरीके से भी बोल सकते हैं, है ना। तो वो इसके बाद रिस्पॉन्स, एक वॉइस रिस्पॉन्स जनरेट करता है, तो वो भी आपको यहीं पे सेंड करना है। तनुश्री सर किसे क्लिक करना है, मिस हो गया। ओके, मी टेल यू से सिंपल फ्रेज, यू हैव दीज फोर ऑप्शंस राइट, बट सबसे पहले वाला विच सेज से अ सिंपल फ्रेज, ये मैं यूज कर रहा हूँ तनुश्री। ठीक है, अगर आप पहुंच गए हैं तो फटाफट से टी फॉर ट्रिगर रिप्लाई कर दीजिए। चलिए तनुश्री, विनय सब पहुंच गए। ओके, अब आप क्या बोलना चाहते हैं, व्हाट विल बी योर क्वेरीज, तो बताओ इनपुट्स। यू आर मोर क्रिएटिव राइट, यू आर इन दैट एज जब दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है। सो टेल मी व्हाट यू वांट टू से इफ यू वांट टू टर्न ऑन योर लाइट्स। चार्विस, ओके, ये ओके गूगल जैसा नहीं है, दिस एग्जैक्ट कमांड जिससे आपका लाइट ऑन होगा। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड बी सेइंग कोरोना, व्हाई वी विल बी सेइंग कोरोना टू टर्न ऑन माय एलईडी राइट और माय लाइट, आई विल से लाइट्स ऑन, गूगल टर्न ऑन लाइट, यस समथिंग लाइक दिस कैन वर्क। सो सबसे पहला आई विल कीप इट ब्लू लाइट ऑन, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। अब दो और ऑप्शन है मेरे पास, तो आप जो बोलेंगे वो मैं खुल जा सिंह सिंह भास्कर और खुल जा सिंह सिंह, बट वी आर नॉट ओपनिंग एनीथिंग, यू हैव टू बी रिलेवेंट। व्हाट्स अनदर वे टू से इट, ठीक है, थिंक लाइक दैट यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड यू हैव राइट, यू आर इन अ आईटी डिजाइन कंपनी, देन यू हैव टू राइट राइट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज जोक्स, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, देन आप क्या ऑप्शन देंगे, विनय एंड भास्कर, तनुश्री एंड आयुष, ये चार लोग बताओ भाई। आई वॉन्ट टू टर्न ऑन माई लाइट्स एंड बींग अ सीरियस एम्प्लॉई, वॉट विल बी योर इनपुट्स, स्टार्ट, वॉट इज स्टार्ट। अभी तो देखो, अभी हम ठीक है चलो एक ही एलईडी लगा रहे हैं, बट आगे क्या करेंगे, वी विल हैव मोर एलईडीज, मोर नंबर ऑफ एलईडीज राइट। ठीक है, so lights on is one option, start is one option, bring the lights is one option, okay, so lights please, okay let's take bring the lights, or I like lights also, but let's take for now I will take this Bhaskar option and bring the light, ek option main ye le leta hu, theek hai। ab iske baad mere paas mein ek aur option hai, to ek aur bata do bhai। ब्लू लाइट तो ठीक है हमने कर दिया, लाइट आईओटी एक्शन इतना बड़ा फ्रेज नहीं, विल कीप इट सिंपल ना, अपने को यूजर फ्रेंडली बनाना है इंटरफेस। ब्रिंग द लाइट्स आई लाइक इट, लाइट्स फ्रॉम आयुष जैन आई ऑल्सो लाइक, नेहा लाइट आई डोंट नो वो वर्ड लेगा कि नहीं, PLZZ आई डोंट नो लाइट, ओके आई टेक दिस लाइट, लाइट प्लीज आई विल टेक, बट आई विल राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ प्लीज, सो लाइट लाइट्स प्लीज। तो ये तीन तरीके हो गए भाई, ये तीन तरीके से मैं बोल सकता हूँ। सबसे पहले या तो मैं बोलूंगा ब्लू लाइट्स ऑन,
या फिर मैं बोलूंगा ब्रिंग द लाइट्स एंड लाइट्स प्लीज, ठीक है, आई एम टेकिंग दीज थ्री ऑप्शंस। इसके बाद फिर आता है व्हाट डू यू वांट द असिस्टेंट टू से इन रिस्पॉन्स। अच्छा आप लोग क्या है ना, तो आपके जो ऑप्शन है वो कर सकते हैं, बट गूगल को ज्यादा इंग्लिश ही समझ में आती है, तो यूज इंग्लिश राइट। हिंदी वर्ड यूज करेंगे तो आई डोंट नो वेदर इट विल फंक्शन और नॉट, ठीक है, वो फिर उसको टेक्स्ट कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है, वो कभी चलेगा कभी नहीं। इजी फ्रेजेस यूज करिए, ठीक है, दैट विल बी इजी। अच्छा अब जो हमें बनना है, व्हाट डू यू वांट द असिस्टेंट टू से इन रिस्पॉन्स, वो जो वॉइस रिस्पॉन्स आता है ना, वो आप क्या सुनना चाहते हैं फ्रॉम गूगल, बताइए मुझे। या श्योर, ओके, क्या व्हाट आई एम आस्किंग इज व्हाट रिस्पॉन्स डू यू वांट टू रिसीव फ्रॉम माय गूगल असिस्टेंट। यस बॉस, लाइट्स ऑन, ओके, इसमें ज्यादा ऑप्शन है नहीं, टर्निंग ऑन लाइट मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि देखो इसके बाद क्या होगा, यू कैन नॉट इमीडिएटली से कि लाइट ऑन हो जाएगी या लाइट तुरंत नहीं ऑन होगी। एक्चुअली होगा क्या, जब आप ये रिस्पॉन्स दोगे उसके बाद में गूगल भाई तो तुरंत रिस्पॉन्स दे देंगे, वो लाइट ऑन होने में 2-3 सेकंड का डिले आएगा, क्योंकि यू हैव टू टॉक टू योर टॉक बैक, टॉक बैक विल टॉक टू योर नोड एमसीयू, एंड देन दैट नोड एमसीयू विल एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम जो आपने वहां पे लिखा है, देन अल्टीमेटली आपकी वो D0 D1 जो है वो चेंज होगा। सो आई एम यूजिंग दिस कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, टर्निंग ऑन लाइट, चलो, बट यस whatever you want to set, wo वेब रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको फिर से वही कल वाला वेब हुक्स यूज करना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो ऑप्शन आएगा वो आएगा मेक अ वेब रिक्वेस्ट, यू विल बी सेंडिंग अ वेब रिक्वेस्ट। तो मैं फिर से बता देता हूँ कहाँ पे गया, मैं गूगल तक तो कर लिया था, मैंने ये प्लस ऑप्शन क्लिक कर दिया और ये सर्च में आपको वेब हुक्स जो है वो टाइप करना है। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो टाइप W फॉर वेब हुक्स, टाइप W फॉर वेब हुक्स, can I expect a few more responses, we have 30 people today, okay let's continue। So web hooks पे क्लिक कर देते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है which is make a web request, तो अगर आप यहाँ पे आ गए हैं so type M, आप है ना web hooks पे आपने क्लिक कर दिया, make a web request के लिए M type करिए, if you have received till this point, इसको जब तक मैं पढ़ के सुना देता हूं, दिस एक्शन विल मेक अ वेब रिक्वेस्ट टू अ पब्लिक एक्सेसिबल यूआरएल, ठीक है, नोट रिक्वेस्ट मे बी रेट लिमिटेड। चलिए, सो यू हैव रीच दिस पॉइंट, तो यहां से आप कोई भी वेब रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इस वेब रिक्वेस्ट से मेरा टॉकबैक चेंज होना चाहिए, कुल मिला के ये है,
I'll make a web request here. I'll click this. Make a web request. ठीक. अगर आप यहाँ पर आ गए हैं, so C for complete type करिए. Complete action के लिए मेरे को करना है. So if you have reached this page, C for complete type करिए. जिसका नहीं होते जा रहे, please interrupt me. We'll try and sort it out. चलिए तो काफी लोग आ चुके हैं इस पोर्शन तक. अब यहाँ पे आता है कि भाई आपको एक यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है. क्या यूआरएल आप भेज सकते हैं यहाँ पे, वो मेरे को सोचना पड़ेगा. तो दिस इज द सेम यूआरएल जिससे आप आपके टॉकबैक को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप बता दीजिए विनय. व्हाट बोलो बेटा, मैंने एक नया टॉकबैक क्रिएट किया है बेटा. बस एक नया टॉकबैक क्रिएट किया है ओनली सर, बस. ठीक है, बस इतना ही किया था, है ना. ये IFTTT के पहले मैंने अपने थिंकस्पीक पर एक नया टॉकबैक क्रिएट कर लिया इस नाम से, IFTTT टॉकबैक. और उसमें एक कमांड जोड़ ली है मैंने, विच इज सिर्फ ऑन, और उसका कमांड आईडी मैंने नोट कर लिया है. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, ओके. चलिए तो अब बात आती है कि URL क्या होगा. सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी फेच दी URL. कि आपको यहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा. ठीक है, सो आई एम शेयरिंग दिस. अब आपको एक URL मिल गया है, मैं इसे नोटपैड पे पेस्ट कर देता हूं. बट उसके पहले आई वुड लाइक टू गो बैक टू माय टॉकबैक ऑप्शन. और बेटा किसका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आई विल गो टू माय IFTTT. थैंक यू. चलिए अब ये जो URL है ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना. तो लेट मी पेस्ट दैट URL ओवर हियर. दिस इज द URL जो मैंने आपको सेंड किया है. अब ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं. ये सही URL नहीं है. सबसे पहले api.thinkspeak.com, ये सब बढ़िया है. इसके बाद है टॉकबैक. टॉकबैक के बाद में ये जो चीज है ना, ये है आपकी टॉकबैक आईडी. मेरी टॉकबैक आईडी क्या है ये मैंने ऊपर नोट कर रखी है. आपको कहां से मिलेगी, तो आपको आपके यहां से मिलेगी टॉकबैक आईडी. टॉकबैक में आप जाएंगे, सो दिस इज योर टॉकबैक आईडी. तो ये मैं कॉपी कर लेता हूं. 39050 इज माय टॉकबैक आईडी. ठीक, अगर आप मेरा वाला यूज करेंगे तो फिर मेरे नोड एमसीयू पे कंट्रोल हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स डू दिस. लेट मी चेंज माय टॉकबैक आईडी. इसके बाद में स्लैश कमांड्स, फिर है ये कमांड आईडी. कमांड के बाद ये जो नंबर लिखा है 17819830, ये है कमांड आईडी. लेकिन मेरा जो करंट कमांड है वो अलग है. ये मैंने पुराना URL उठा लिया है. सो आई विल गो टू माय टॉकबैक. आई विल फेच माय कमांड आईडी जो कि यहाँ पर है, जो ऑन मैंने स्ट्रिंग लिखी थी ना, इसके लेफ्ट में ये जो नंबर है, दिस इज माय कमांड आईडी. तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये मेरी कमांड आईडी आ गई. ठीक है, इसके बाद API की इज इक्वल्स टू, एंड फिर ये मेरा API की है. ये किसका API की है, ये भी मेरे टॉकबैक का API की है. तो टॉकबैक का API कहाँ मिलेगा, इस पेज पर ऊपर स्क्रॉल करिए आप और टॉकबैक का API मिल जाएगा आपको. इसको कॉपी कर लीजिए. आई विल पेस्ट दैट दिस थिंग हियर. ठीक है, इसके बाद है ampersand कमांड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एंड व्हाट यू वांट टू सेंड. सो लेट्स सेंड दिस LED ऑफ, सॉरी LED ऑन हम भेज देते हैं क्योंकि मेरे को ऑन करना है ना. सो लेट्स सेंड LED ऑन. ठीक है, नाउ आई एम कॉपिंग दिस कमांड, आई एम सेंडिंग दिस टू यू. बट राइट, आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं. आप आपका यूज करिए तो बेहतर है. मेरा यूज करेंगे तो ज्यादा आपको पता चलेगा नहीं, है ना.
और विल गिव वन बाय वन चांस टू सी वेदर इट चेंजेस और नॉट. ठीक है, तो या तो आप सीधा सीधा ये मैंने जो सेकंड वाला है इसको यूज कर लीजिए, या फिर इसमें अपने इनपुट्स दीजिए. ठीक है, इट्स बेटर कि आप आपका वाला कंट्रोल सिस्टम बनाएं, आपका टॉकबैक आईडी दीजिए, आपका कमांड आईडी दीजिए, आपके टॉकबैक का एपीआई. और स्ट्रिंग जो है वो यही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे प्रोग्राम जो है वो चेंज हो जाएगा. तो अगर मैंने एलईडी ऑन लिखा है ना, तो यहाँ पे ये कमांड स्ट्रिंग अब एलईडी ऑन हो जाएगी. आप क्या बोल रहे हो, आप बेसिकली कमांड को अपडेट कर रहे हो. जो स्ट्रिंग है ये किस लिए है, कि यू आर अपडेटिंग योर कमांड. ठीक है, तो मैं अब आई एफ ट्रिपल टी में चले जाता हूँ और यू आर एल में ये जो मेरी कमांड है जो मैंने आप लोग को दी है, यही की यही कमांड में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए, माई क्वेश्चन इज What HTTP method should I use, right? Should I use to update my talkback command? Talkback command को मुझे talkback queue को मुझे update करना है, मुझे नई नई add करना है, मुझे वहीं पर जो मेरा on लिखा है उसे हटा के मुझे LED on लिखना है. बाद में मैं एक और बनाऊंगा जिसे LED on का LED off बनाऊंगा. तो command वहीं के वहीं रहेगी लेकिन वो change हो जाएगा. तो भरत बोल रहा है पुट, तनिश्री बोल रहा है पोस्ट, आयुष बोल रहा है गेट, सारे ऑप्शंस बता रहे हो. एपीआई की चेंज करना है, कमांड आईडी चेंज करना है, टॉकबैक आईडी चेंज करना है, ये तीनों चेंज करना है. तनुश्री पता नहीं क्या भेज रही है. शुभम तिवारी इस पोस्ट, विनय इस पुट, उमा इस पुट, तू शरीफ पुट. तो सही जवाब है पुट. पुट मेथड से आप जो है आपकी किसी वैल्यू को HTTP की इस मेथड से आप आपके कमांड स्ट्रिंग में पुरानी वैल्यू को हटा के नई वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, पुट का मतलब भी यही होता है. तो ये मैं कर देता हूँ पुट, मेथड को मैंने कर दिया पुट. नीचे आ जाते हैं, कंटेंट टाइप दिस वन एप्लीकेशन स्लैश x-www फॉर्म एनकोडेड. ठीक है, बॉडी में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है एंड यू हैव टू क्रिएट एक्शन. अब मैं ये क्लिक करूं, इसके पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले मैंने ये URL करा है. सो आई एम गिविंग यू 5-10 सेकंड जिससे आप ये URL अच्छे से बना पाए, इसमें गलती नहीं करेगा. ठीक है, कॉपी पेस्ट करने में कई बार वो एंटर आ जाता है, उसकी वजह से नहीं चलेगा ये. तो ये ध्यान रखिए, कंप्लीट स्ट्रिंग एक ही साथ में आनी चाहिए. ठीक है, दिस शुड नॉट बी कि एक एंटर आ गया बीच में तो नहीं चलेगा ये. ठीक, मैंने जब पहली बार किया था तो मैं इससे परेशान हो गया था और यहाँ पे दिखाई देता नहीं है. वो समस्या क्या है कि जहां आप इसे भर रहे हो ना FTTT में, इधर अगर कोई एंटर आ गया होगा तो यहाँ दिखेगा भी नहीं. तो बी वेरी केयरफुल कि कोई एंटर वगैरह ना आए, सारी चीजें कंटिन्यूसली एक ही लाइन में लिखी रहे. ये शुरू हो रहा है HTTPS से, खत्म हो रहा है आपकी कमांड स्ट्रिंग के आखिरी शब्द से. हाउ डू यू सेट द कंटेंट टाइप, इट इज देयर इन द डॉक्यूमेंट. जो हमने अपडेट कमांड का डॉक्यूमेंट पढ़ा था ना बेटा, उस डॉक्यूमेंट में था ये. आरुषि आप थे क्या उस क्लास में, हमने टॉकबैक पर अपडेट की थी कमांड और वहां पे हमारा जो कंटेंट टाइप था वो यही था, बल्कि सिर्फ यही एक लौता कंटेंट टाइप हमने अभी तक यूज किया है, विच इज एप्लीकेशन डेक्स. तो ये डिपेंड करता है विच क्लाउड प्लेटफॉर्म यू आर टॉकिंग टू और उसके डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, वो किस टाइप का कंटेंट टाइप एक्सेप्ट करता है. ठीक है, तो सर ये जो तीन कंटेंट टाइप दिए है, इन तीनों ये अलग अलग चीजों में यूज होते हैं, तो सर इन तीनों का मतलब क्या है? लाइक ये है बेटा, जेसन स्टैंड्स फॉर जावा ऑब्जेक्ट, इट्स अ जावा ऑब्जेक्ट, दिस इज अ प्लेन टेक्स्ट, मतलब आपको पूरा स्ट्रिंग के फॉर्म में भेजना पड़ेगा. और ये जो है ये फॉर्म के फॉर्म में, जैसे आप गूगल फॉर्म या कोई भी फॉर्म भरते हो तो फॉर्म में क्या होता है, प्लेस होल्डर्स होते हैं. कि जैसे वहां पे लिखा रहेगा नेम, उसके सामने आपने आपका नाम भर दिया, आपसे पूछा आपकी एज, उसके आपने भर दिया, तो वो प्लेस होल्डर. तो उस तरीके से आपका जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो उस फॉर्म में डेटाबेस में उसको एंट्री करेगा. जेसन इज अ जावा ऑब्जेक्ट, ये भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये सपोर्ट करता नहीं है. जो डॉक्यूमेंटेशन है, आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क ऑर नॉट, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज मेंशन्ड इट विल एक्सेप्ट ओनली दिस, और प्रेफर्ड रादर आई वुड से दैट द डॉक्यूमेंटेशन सेज दैट इट एक्सेप्ट्स अ फॉर्म डेटा. ठीक है, प्लेन इज ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल एवरीवेयर, सो यू कैन ट्राई. ठीक है, बट फिलहाल फॉर द फर्स्ट प्रोग्राम लेट्स गो विद द डॉक्यूमेंटेशन, लेट्स सेलेक्ट दिस वन एंड यू कैन ट्राई विद द अदर टू ऑल्सो वेदर इट वर्क्स और नॉट. ओके सर, सो इट इज जस्ट हाउ योर डेटाबेस इज एक्सेप्टिंग दैट डेटा.
और ये क्लाउड इज एक्सेप्टिंग दैट डेटा। यहां तक हो गया है क्या? अगर सभी लोग ने ये पूरा फिल कर लिया है तो एफ फॉर फिल टाइप कर दीजिए। बॉडी में कुछ नहीं करना बेटा, बॉडी विल लेफ्ट ब्लैंक, क्योंकि बॉडी का जो था हमने ऊपर ही भर दिया है। ठीक है, तीनों चीजें भर ली भाई विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। दिस यूआरएल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी तो सिंपल ही है। मेथड ध्यान रखिएगा, गलती से आपने जो गलत आंसर दिए वो नहीं, यूआरएल पूछ रहे हो कि बता रहे हो, आई डोंट नो। यूआरएल तो फिल कर चुका हूं मैं। यूआरएल में एपीआई कौन सी आएगी, रीड वाली है राइट वाली? बेटा टॉकबैक के अंदर तो एक ही एपीआई की होती है, रीड और राइट का कहां ऑप्शन है? आप मुझे लग रहा है आपके चैनल की एपीआई की से कंफ्यूज हो गए हो। अच्छा है आपने पूछ लिया, टॉकबैक वाली एपीआई की यूज करनी है बेटा, इसमें एक ही एपीआई की है। ठीक है, हमने सारी एंट्री टॉकबैक ही करी है। टॉकबैक आईडी, चैनल आईडी नहीं, टॉकबैक आईडी, एपीआई की ऑफ टॉकबैक एंड कमांड आईडी ऑफ माय टॉकबैक ऑफ माय स्पेसिफिक कमांड। ठीक है, ओके सर। यस, प्लीज मेक दिस करेक्शन। मेथड में भाई पुट करिएगा पोस्ट गेट और जो भी अदर ऑप्शन है वो नहीं यूज करना है। सिलेक्ट दी मेथड एज पुट, URL कौन सा पुट करना है? URL आपको आपका एडिट करना है ना बेटा, ये URL मैंने सबसे शेयर कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस URL के अंदर ये कमांड आईडी आपको आपकी चेंज करनी है। आपने बनाया ना आपका टॉकबैक, तो टॉकबैक की टॉकबैक आईडी आपको चेंज करनी है। फिर ये है आपकी कमांड आईडी, ये जो 180 तो आपके केस में कुछ अलग नंबर होगा वो, तो वो करना है। ठीक है, एंड ये API की, तो ये तीन चीजें चेंज होंगी जो स्ट्रिंग मैंने आपसे शेयर करी है या जो आपको स्क्रीन पे फिलहाल दिखाई दे रही है, उसमें तीन चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अपना ही यूज करें भाई, है ना, नहीं तो आप कुछ करेंगे मेरे यहाँ पे कुछ होगा और आपको समझ में आएगा नहीं हुआ या नहीं हुआ, और मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि 30 में से कौन सा बंदा कर रहा है, तो किसका चला नहीं चला वो नहीं पता चल पाएगा। तो शैल आई कंटिन्यू आईओटी एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी? बताओ भैया पवन, इफ यू आर पवन टेल मी, शैल आई कंटिन्यू? अच्छा, मैं ज्यादा ही ऊपर सब मैं पढ़ रहा था क्या? ओके, माय मिस्टेक। चलिए, सिद्धार्थ, आई हैव क्रिएटेड अ टॉकबैक, ठीक है, देन आई हैव लॉग्ड इन टू माय IEEE अकाउंट। मैंने उसमें इफ दिस देन डेट के अंदर पहले वाले के अंदर एक गूगल असिस्टेंट करा है, वहां पे कुछ फ्रेजेस भरे हैं और अब मैं सेकेंड स्टेप पर हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो अब यहीं से कंटिन्यू करो, बहुत नहीं किया है, बस 5 मिनट का है, लेकिन इनमें से कोई भी आपको समझा देगा। पवन एंड आयुष कैन हेल्प दिस, और यू कैन ऑल्सो, कल तो मेरा भी ऑफ है, सो यू कैन कॉल मी टुमारो, आई विल ऑल्सो हेल्प, राइट? मीनवाइल लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो ये कर लिया है एफ फॉर फिल, काफी लोग का रिस्पॉन्स आ गया, लेट्स कंटिन्यू। सो आई एम क्रिएटिंग दिस एक्शन, व्हाट हैपेंड, व्हाई इट इज नॉट क्रिएटिंग, ओके नाउ इट्स क्रिएटेड। ठीक है, तो ये बता रहा है भैया कि अगर आप बोलोगे ब्लू लाइट ऑन तो उससे एक वेब रिक्वेस्ट जो है वो चली जाएगी। यही करा है ना हमने, वेब रिक्वेस्ट से क्या होगा वो तो इस IEEE को पता नहीं है, है ना, आगे की कहानी तो हमें पता है। ठीक, तो IEEE को सिर्फ क्या पता है कि आपने एक ब्लू लाइट ऑन शब्द जैसे ही आप बोलेंगे तो उससे एक वेब रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक, दिस आई हैव क्रिएटेड, इसको मैं कर रहा हूं एफ फॉर फिनिश। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, सो एफ फॉर फिनिश टाइप कर दीजिए आफ्टर क्लिकिंग दैट फिनिश बटन, तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। सर बॉडी में क्या आएगा? बॉडी खाली छोड़नी है बेटा, पूरी ब्लैंक, कुछ मत लिखना वहां पे। ओके सर, स्पेस स्पेस भी मत दबाना, पूरा ब्लैंक रखना उसे। चलिए, अ फ्यू मोर एफ एंड देन आई विल कंटिन्यू। ओके, दो तीन और एफ आ गए, सो लेट्स कंटिन्यू। कनेक्टेड दिखा रहा है आफ्टर फिनिश, हाँ बेटा ऐसा ही आएगा। ठीक है, कनेक्टेड ही दिखाता है वो। एफ फिनिश प्रेस कर देना बेटा, है ना,
कर दिया आपने, है ना, ऐसा आ रहा होगा कनेक्टेड, मतलब वो ऑनलाइन है अभी, चलेगा, ठीक है। यस, ये हो गया अपना। चलिए एक चीज और चेक कर लेते हैं मीनवाइल, अगली स्टेप से बढ़ने के पहले, क्योंकि पहले अगर कोई मिस्टेक करी होगी तो फिर पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो हम टॉकबैक पे चले जाते हैं। टॉकबैक पे ओके, आई कैन नॉट सिंपली डू दैट, ओके पॉसिबल जी, बताइए सर। सर अपन आई एफ ट्रिपल डी पे अपन ने स्मॉल लेटर में ओन लिखा है, और थिंक स्पीक पे टॉकबैक पे अपने कैपिटल लेटर में ओन लिखा है, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। थिंक स्पीक पे जो लिखा है लिखे रहने दो, जो आप आई एफ ट्रिपल डी पे देंगे वो आपकी नई कमांड बनेगी, ठीक है। okay, पुराना sir. जो भी है वो डिलीट हो जाएगा, और आप जो आप देंगे वो रिप्लेस हो जाएगा। पुराने okay. से हमें लेना देना नहीं है, नया वाला ध्यान रखिएगा क्या लिख रहे हैं, ठीक है। ओके सर, चलिए तो कंटिन्यू करें। इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू एंड इफ यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क, जस्ट टाइप सी फॉर कंटिन्यू। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू, राइट। देयर इज नो वे वी कैन चेक इट। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसको चेक करने का एक तरीका है कि मैं, ठीक है, मैंने ऑन लिखा है ना, और अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा तो इट शुड बी एलईडी ऑन, क्योंकि मैंने यूआरएल में एलईडी ऑन लिखा है। तो मैं मेरे फोन से एक बार चेक करके देख लेता हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड देन वी विल कंटिन्यू। आप भी यही करिए, आप भी क्या करिए, अपने गूगल असिस्टेंट में जाइए, ठीक है, जहाँ पे ओके गूगल ऑप्शन आता है ना, होम बटन प्रेस करिए एंड जस्ट से, क्या बोला था हमने, ब्लू लाइट्स ऑन बोला था और लाइट्स ऑन बोला था, लाइट्स प्लीज ऐसा कुछ बोला था। विल ट्राई वेदर इट विल वर्क ऑर नॉट, लाइट्स प्लीज। टर्निंग ऑन लाइट, ठीक है, ये मैंने चेक करके देखा है। अब अगर ये हो गया होगा सो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज, लेट्स सी वेदर इट इज ओके। तो ये काम कर रहा है, देखिए ये मेरा ऑन से एलईडी ऑन हो गया है, तो सब कुछ मैंने सही करा है। अब आप आपका वाला चेक करिए वेदर द कमांड हैज चेंज्ड और नॉट, और अगर आपने दोनों आइडेंटिकल कमांड दिए हैं तो पहले जाके टॉकबैक में इस कमांड को बिगाड़ दीजिए, कैन एडिट दिस, राइट, यूजिंग दिस एडिट टॉकबैक ऑप्शन, यहाँ पे जाइए, है ना, और लेट से पहले कुछ भी टाइप कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कमांड आईडी चेंज होती नहीं है। तो मैंने ये कुछ भी टाइप कर दिया इसमें, ठीक है, एंड देन वंस अगेन आई विल से, मैं ना वो फ्रेजेस भूल गया हूँ क्या थे, तो मुझे एक ही याद है बस, लाइट प्लीज, ब्लू लाइट ऑन, ओके, ये कुछ अलग वाला है, लाइट्स प्लीज, ठीक है, ओके, ब्रिंग द लाइट्स दैट आई मिस्ड, और ब्लू लाइट ऑन एक्चुअली मेरे में क्लैश इसलिए कर रहा है क्योंकि ब्लू लाइट नॉन से कोई पुराना कोई प्रोजेक्ट है जो ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, वो वॉइस रिस्पांस से समझा मैं, क्योंकि रिस्पांस अलग सेट किया था तब, रिस्पांस का क्योंकि एक ही ऑप्शन था तो रिस्पांस हमारा वाले में नहीं। कितने लोगों का भाई काम कर रहा है, फटाफट से W फॉर वर्किंग लिख दीजिए। तो दो लोगों का नहीं, सिर्फ एक का हुआ है, दो का हो गया है। कितने लोगों का ये चेंज हो रही है स्ट्रिंग, है ना, मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, ये पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा भाई, देन ओनली इट विल चेंज, ठीक है, अपने आप यहाँ नहीं होता है। इस पेज को रिफ्रेश करिएगा। विनय त्यागी का नहीं चला है, विनय त्यागी आपने यूआरएल में मिस्टेक करी है या तो, या फिर मेथड देखिए, इट शुड बी पुट, ठीक, बस यही दो चीजें हमने फिल करी हैं मेक अ वेब रिक्वेस्ट वाले में, ठीक है। अभी हम ये पूरी चीज फिर से रिपीट करेंगे, तो सिद्धार्थ देखिएगा, ठीक है, सिद्धार्थ का छूट गया था, एंड विनय ट्राई टू फाइंड आउट क्या है, अभी हमें वो लाइट बंद करानी है, अभी हमने एक ही कमांड भेजी ना, एलईडी ऑन, ठीक है, सो नाउ आई शुड बी एबल टू रिसीव दिस। बट वहां जाने के पहले सबसे पहले मैं अपना इसको रीड करने का एक कमांड अपने नोड एमसीयू में बंद कर देता हूँ जल्दी से, वोंट टेक मोर देन 2-3 मिनट्स, यू सी कि व्हाट आई एम रिसीविंग फ्रॉम हियर, ठीक है। मीनवाइल जिसका जो भी गलती है भाई,
प्लीज ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. ठीक है, सो आई विल गो टू दी read command. Where is read command? This is read command. ठीक है, तो read command वाला program मैं use करूंगा, वही पुराना वाला. इसमें बस ये दो तीन चीजें चेंज करनी है मुझे. टॉकबैक आई डी जो मेरी यहां पर थी वही सेम टॉकबैक आई डी. सो वॉट इज माई टॉकबैक आई डी हेयर? दिस इज माई टॉकबैक आई डी. मैं यहां से उठा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, देन माई कमांड आई डी. So what is my command ID? I have noted. This is my command ID. I'll paste my command ID here. And then what is my talkback API? So my talkback API is this. है ना, मैं क्योंकि नया talkback use कर रहा हूँ इसलिए I am changing all this. ठीक, अब मेरे पास में जो LED है वो है D1, D3, D5. Okay, मैं ज़्यादा change करता नहीं हूँ. Command string में change कर देता हूँ and I'll type LED on. ठीक है, तो इससे I want to use actually D0. So I'm making a couple of changes. I'll make this D0. ठीक है, and D0 will on. बाकी की इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है. और लेट मी क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम. इसमें चेंजेस कर लेते हैं. ये तो हम चेंज कर चुके हैं दो तीन चीजें. I don't want D3 and D5 क्योंकि I have only one LED, but you can have multiple also, no issues. उतने ज़्यादा कमांड देने पड़ेंगे. Here I will be using only D0, so I don't need this. Else if I receive LED off, then I want to turn off my LED, which is at D0, तो उसके लिए high भेजना पड़ेगा. I don't want this D3, D5. और फिर क्योंकि दो ही कमांड है तो बाकी सब मैं हटा देता हूँ. I'll delete all this. ठीक है, check whether I have missed anything or not. Okay, चलिए तो ये मेरे ख्याल में चलना चाहिए. Let me just quickly upload this to my Node MCU. तो ये वही प्रोग्राम है, थोड़ा बहुत हमने चेंज कर दिया. पहले हमने D1 D2 करके वो दो तीन LEDs जलाई थी. LEDs मैंने निकाल दी हैं, तो फिलहाल मेरे पास में एक ही LED है. So I have changed this to LED on, LED off. ठीक है, आपने जो कमांड स्ट्रिंग दी है आपके URL में आप उसको यूज करिए टू टर्न ऑन. अगर आपने सिर्फ ऑन लिखा है सो यूज ऑन हेयर इंस्टेड ऑफ LED on. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जो भी कमांड स्ट्रिंग आपकी टॉकबैक में अपडेट होके आ रही है यू हैव टू यूज द सेम कमांड स्ट्रिंग, दिस कमांड स्ट्रिंग हियर इनसाइड योर Node MCU. देन ओनली योर Node MCU विल रिएक्ट टू इट, अदरवाइज Node MCU को कुछ नहीं होगा. थोड़ा मोबाइल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. ओके, नो इश्यूज, ट्राई टू वर्क ऑन इट. Okay, it is still compiling. It will take a few time. Just be patient, right? कंपाइल हो गया है, नाउ इट इज अपलोडिंग. विल टेक 15-20 सेकेंड.
ठीक है, जितना टाइम पढ़ाने में लग रहा है ना उतना बनाने में नहीं लगेगा भाई। आई कैन क्रिएट ऑल दिस विद इन 5-10 मिनट्स। सो ये आपका हो गया रीसेट। लेट्स गो टू द सीरियल मॉनिटर एंड लेट्स सी व्हाट वी आर रिसीविंग। सो आई एम रिसीविंग दिस एलईडी ऑन, ठीक है, और मेरी एलईडी जो है वो ऑन भी हो गई है, तो मैं आपको बताऊंगा जब वो ऑन ऑफ दोनों होने लगेगी। फिलहाल वो ऑन भी हो गई है, सो इट्स वर्किंग परफेक्टली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो एज यू कैन सी इन द सीरियल मॉनिटर आई हैव स्टार्ट रिसीविंग दिस एलईडी ऑन। चलिए आगे करते हैं। बस अब हमको क्या करना है, ये जो प्रोसेस थी हमारी, इस प्रोसेस को हमें को रिपीट करना है। तो जो लोग भाई थोड़े क्लास में लेट ज्वाइन किए थे वो अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब लाइट बंद कराने के लिए जस्ट वही की वही चीज हमें रिपीट करनी है। तो वंस अगेन आई विल गो टू माय, अच्छा ये टॉक बैक में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, टॉक बैक एक ही रहेगा। यहाँ पे आपकी दो चीजें आ जाएंगी। सो वंस अगेन आप होम पे चले जाइए भाई, मोबाइल ऐप जो भी यूज कर रहे हैं होम पे चले जाए, ठीक है, एंड क्लिक हेयर। वंस अगेन गो टू दिस ऑप्शन एंड क्लिक क्रिएट, ठीक है। अगर आप यहां पर आ गए हैं तो IFTTT टाइप कर दीजिए, IFTTT टाइप कर दीजिए फटाफट से। इफ यू हैव रीच टिल दिस पॉइंट, इफ यू आर एबल टू सी दिस, और लोग बाकी ओके। सो आई हैव रिसीव्ड अराउंड 10-12 रिस्पॉन्सेस, आई विल कंटिन्यू। वेरी गुड, चलिए प्लस पे क्लिक कर देते हैं फटाफट से। नाउ कैन एनीवन टेल मी क्या होगा नेक्स्ट, क्या किया था हमने, व्हाट विल आई सर्च हियर, टेल मी। दुनिया जहान की सर्विसेज है, व्हाट शुड आई सर्च, गूगल असिस्टेंट, यस, क्लिक द प्लस साइन। प्लस साइन से क्या होगा, पुराना वाला आ जाएगा क्या, आई डोंट नो, कुछ नहीं हुआ। गूगल असिस्टेंट सर्च करेंगे, ठीक है, यस, सो आई विल गो फॉर दिस गूगल असिस्टेंट, ठीक, आई विल यूज दिस से या सिंपल फ्रेज ऑप्शन वंस अगेन, एंड व्हाट डू यू वांट टू से, ठीक है। अब फटाफट से अपना क्रिएटिव माइंड जो है लेकिन थोड़ा सीरियस वाला बताइए, व्हाट शुड आई टाइप हियर टू टर्न ऑफ माय लाइट, दिस टाइम दिस फ्रेज विल बी यूज्ड टू टर्न ऑफ माय एलईडी और माय लाइट्स, ठीक है, जो आप एक रिले के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफ द लाइट्स, थोड़ी ग्रामर मिस्टेक है मेरे ख्याल में, ब्लैकआउट, तुम तो बेटा शक्तिमान के फ्रेंड लग रहे हो, अंधेरा कायम रहे तू शरीफ। स्विच ऑफ द लाइट्स, ऑफ ब्लू लाइट्स, टर्न ऑफ लाइट्स, ओके। तो आई विल टेक सबसे पहले वो ब्लू वाले ही ले लेते हैं, तो ब्लू लाइट ऑफ मैं पहला फ्रेज लिख दे रहा हूँ, दूसरा टर्न द लाइट्स ऑफ, टर्न ऑफ लाइट्स, आई विल कीप इट सिंपल, आई विल सिलेक्ट दिस थिंग फ्रॉम विनय, टर्न ऑफ लाइट्स, आई विल कॉपी दिस एज अ सेकेंड ऑप्शन, और आखरा है सॉरी बहुत ही सिंपल, लाइट्स ऑफ, ठीक है। तीन ऑप्शंस में यहाँ पे भर रहा हूँ, अगर किसी को चेंज करवाना है, पसंद नहीं आ रहे हैं तो फटाफट से बता दीजिए। मीनवाइल बाकी लोग करें कि व्हाट रिस्पांस यू वांट टू रिसीव फ्रॉम गूगल, गूगल इस बार क्या बोलेगा आपके लिए। गुर शरीफ आई वॉज एक्सपेक्टिंग तुम लिखोगे अंधेरा कायम रहे। चलिए ऑन अ सीरियस नोट, ओके लाइट्स ऑफ, ओके सो लेट्स टेक दिस, ओके लाइट्स ऑफ, टास्क कंप्लीट। वो फिर स्पेसिफिक नहीं होगा ना भास्कर, ओके माई प्लेजर विल नॉट बी अगेन स्पेसिफिक, ठीक है, बिकॉज यू ना, बिकॉज यू थिंक दैट इफ यू हैव, अभी तो हम सिर्फ ठीक है एक ही एलईडी को ऑन ऑफ कर रहे हैं, बट इफ यू हैव सो मेनी थिंग्स, लेट्स से 5-6 थिंग्स, देन द रिस्पॉन्स शुड ऑल्सो बी स्पेसिफिक, जिससे आपको भी पता चले कि आपने क्या बोला था और क्या हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज वाई लेट्स कीप दिस, ओके
lights off or turning off lights, what should I say? मेरे ख्याल में enjoy the dark. Okay. चलिए. Now let's continue. Language will again be English and I'll click this create trigger option. अगर यहाँ पे आ गए हैं तो फिर से IFTTT टाइप कर दीजिए सो आई विल नो कि आपने ये कर लिया है. और आई विल गो बैक. चलिए सबने फिल कर दिया. वेरी गुड. आरुषि विश्वकर्मा, जयंत, साहिल, आयुष, शालिनी, नेहा. नेहा नेहा ने क्या टाइप किया है? सिद्धार्थ, शुभम, नेहा. नेहा ने सही कर लिया. चलिए वेरी गुड. भास्कर है रिस्पॉन्सेड, निकिता. चलिए सो लेट्स कंटिन्यू. आप मेरे ख्याल में सभी लोग पहुंच गए. विपिन ऑल्सो रीच दिस पॉइंट. सो लेट्स कंटिन्यू. अब ये दूसरा वाला प्लस अपन भरते हैं. ठीक है. अब बताइए यहाँ क्या सर्च करूंगा भाई? व्हाट विल आई सर्च हेयर? क्या किया था हमने यहाँ पे सर्च? वेब से तो दो ऑप्शन आएंगे. वेब हुक. एक्चुअली इट इज वेब हुक्स. एस बी ए साथ में. तो वेब हुक्स इट इज. ठीक है. यस सो विल सर्च दिस वेब हुक्स. इस पे आ जाते हैं हम. अगर आप यहां पर आ गए हैं तो चूज एक्शन के लिए सी टाइप कर दीजिए. इफ यू हैव रीच दिस पॉइंट चूज एक्शन. काफी लोग यहाँ आ गए हैं. नाउ वी विल मेक अ रिक्वेस्ट. ये बार का यूआरएल बहुत आसान होगा. पुराना चला है आपको पुराना कमांड स्ट्रिंग चेंज करेंगे हम. पूरा एचटीटीपीएस जो सही वाला है ना, वाली लाइट वाइट कंट्रोल हो रही है. पूरा पूरा कॉपी कर लो. एलईडी ऑन तक ही कर लो. बाद में एलईडी ऑन को चेंज कर देंगे. यहाँ पे कर दो और इस एलईडी ऑन की जगह इस बार मैं लिख दे रहा हूँ एलईडी ऑफ. ठीक है. तो मेरी कमांड स्ट्रिंग वहां पे चेंज हो जाएगी टू एलईडी ऑफ. ठीक. इसके बाद मेथड में फिर से कौन सी मेथड सेलेक्ट करनी है भाई बताइए. व्हाट मेथड शुड आई चूज? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू 10-15 सेकंड टू डू दिस. ये बहुत ध्यान से करिएगा वरना चलेगा नहीं. ठीक है. सो आई विल टेक अ पॉज ऑफ 10 सेकंड्स. यू डू दिस थिंग एंड देन जिसका हो गया ही कैन दे कैन रिस्पॉन्ड. मेथड में क्या रखना है? तो इस बार सभी लोग पुट बोल रहे हैं. वेरी गुड. यस विल गो विद दिस पुट मेथड. न्यू टॉकबैक नहीं बनाना है. मैंने नहीं बनाना है. पुराने टॉकबैक को ही मेरा नोड एमसीयू रीड कर रहा है. आप सिर्फ उस टॉकबैक के अंदर जो एलईडी ऑन कमांड थी उसको इस बार एलईडी ऑफ कर देंगे. तो मेरा वही नोड एमसीयू जो है अब एलईडी ऑफ जो है वो रिसीव करना शुरू कर देगा. ठीक है. तो टॉकबैक नया नहीं बनाना है. चलिए तो अगर स्ट्रिंग भर दी है सो विल कंटिन्यू. मेथड में आप लोगों ने जैसा बताया तो पुट हम मान लेते हैं. तो पुट यहाँ पे फिल कर देते हैं जो कि सही ऑप्शन है. कंटेंट टाइप बताइए भाई. 1, 2, 3 में से बताइए. 1 इज जेसन, 2 इज फॉर्म एंड 3 इज टेक्स्ट. तो कौन सा? विनय, विपिन इज सेइंग 2, जयंत इज सेइंग 2, आयुष, शुभम इज सेइंग 3, प्लेन एंड टेक्स्ट. 2 is the correct option. We'll use this option application/form-url-encoded. ठीक है. So I'll select this option. Body आपको खाली छोड़नी है. Leave the body blank and just click create action. अगर आप यहां पे पहुंच गए हैं. ठीक है. कितने लोग यहां पे पहुंच गए भाई? F for finish करिए. तो आई हैव रिसीव अ फ्यू रिस्पॉन्सेस. दो चार लोग और रिस्पॉन्स कर दो यार. चल कंटिन्यू. यूआरएल ध्यान रखिएगा. यूआरएल गड़बड़ नहीं होना चाहिए. बस गिव मी अ सेकंड. ओके सो नाउ लेट्स कंटिन्यू.
मैं ये फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ और एक मैसेज आएगा मेरे ख्याल में कनेक्टेड का, तो सी फॉर कनेक्टेड टाइप कर दीजिए अगर आप यहां तक पहुंच गए तो. इफ यू हैव रीच दिस पॉइंट एंड इफ यू हैव क्लिक द फिनिश्ड ऑप्शन एंड इफ यू हैव क्रिएटेड सक्सेसफुली क्रिएटेड योर एप्लेट, जिसमें हम क्या बोलेंगे, इफ यू से ब्लू लाइट ऑफ देन मेक अ वेब रिक्वेस्ट. ठीक है, नीचे आपका यूजर नेम आ जाएगा जो भी एफ ट्रिपल्टी का है वो. ओके, तो सब यहां पे पहुंच गए, वेरी गुड. तो बस हमने मेरे ख्याल में टास्क कंप्लीट कर लिया है. इस बार अब क्या बोलना है, क्या फ्रेज रखा था, ब्लू लाइट ऑफ और क्या था ऑप्शन, व्हाट वाज द फ्रेजेस, यार मैं भूल जा रहा हूं, व्हाट वर द फ्रेजेस, आई गेस आई कैन क्लिक समवेयर एंड आई विल गेट टू नो व्हाट वर द फ्रेजेस. लाइट्स ऑफ वाज वन. Lights please was to turn off, turn on my light. Lights off was one option, right? And blue light off obviously is one option. So let's let me test and let you also test, right? अब कुछ नहीं करना, बस इसको टेस्ट ही करना है हमको. Lights off. ये पुराना वाला ट्रिगर हो रहा है मेरे केस में. व्हाट वाज द अदर ऑप्शन, और क्या था, विनय आई रियली कांट हेल्प यू इन दिस, जस्ट बी देयर सी व्हाट इज हैपनिंग. ब्लू लाइट ऑफ, मैंने लगता है सारे वही वाले भर दिए हैं जो पहले यूज किए थे, तो कोई दूसरा ही ट्रिगर हो रहा है. सो लेट मी चेक. व्हाट इज दिस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई ट्राई टू राइट डिसेबल माय ओल्डर वर्जन. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. कितने लोगों का हो गया है, आप में से काफी लोगों का चल रहा होगा. ये मैंने आज बनाया है, ब्लू लाइट्स ऑफ मेक अ वेब रिक्वेस्ट, ये वाला. ये वाला मुझे बंद करना पड़ेगा, ये पुराना है. कितने लोगों का हो गया भाई, टॉकबैक पर जो कमांड है वो चेंज हो जाएगी आपके केस में. ठीक है, आई डिस्कनेक्ट दिस ऑल्सो. ब्लू लाइट्स ऑफ, ये मेरा कनेक्टेड है ही, आई गेस सेटिंग में समवेयर आई विल फाइंड आउट कि क्या मैंने सेट किया था. ठीक है, ये अभी नेवर रन बता रहा है क्योंकि पुराना वाला ट्रिगर हो रहा था मेरे बोलने से. दीज आर द ऑप्शन, टर्न ऑफ लाइट्स, लाइट्स ऑफ. ओके, नाउ आई गेस इट शुड वर्क इन माय केस. लेट मी ट्राई. Blue light off. Okay, turning off lights. Now it has worked. ठीक है, so let's check, ये talkback मेरा change हो गया होगा. Let's refresh this page and it has changed to LED off. So it's working for me. ठीक है, let me show you what is happening at the hardware. Meanwhile, जिस जिसका हो गया है भाई, please response W for working. तो दो लोगों का पूरा बन गया है.
आरुषि विश्वकर्मा का भी बन गया है, तो जस्ट आपको एक नोड एमसीयू चाहिए और ये कोड तो मेरे पास है ही, ये शेयर हो ही जाएगा आपसे। यू नीड दीज टू थिंग्स एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, आप जिसका बन गया है वो क्या करेगा, कम से कम 4-5 डिवाइसेस कंट्रोल करिए नोड एमसीयू से। ठीक है, 4-5 एक बोर्ड में जनरली इतनी चीजें होती हैं, एक कमरे के अंदर 2 लाइट 1 फैन इतनी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ट्राई टू मेक अ कंप्लीट प्रोजेक्ट आउट ऑफ इट सो दैट एटलीस्ट एक रूम की सिंपल चीजें हमारी कंट्रोल हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक चीज के लिए 2 ट्रिगर करने पड़ रहे हैं। तो अगर लेट से मैंने 4 चीजें कंट्रोल करी तो आपको IFTTT पे 8 बार बनाना पड़ेगा, है ना, पंखा चालू पंखा बंद 2 हो गए। ठीक है, पहली वाली लाइट चालू, ब्लू लाइट चालू, ग्रीन लाइट चालू, उसको बंद करने का है। ठीक है, सो ऑल दीज ऑप्शंस यू हैव टू ट्राई आउट एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। नाउ हाउ मेनी W आई कैन सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यू कीप ऑन वर्किंग, जिसका हो गया प्लीज रिस्पॉन्स, उससे पता चलेगा यार कि पढ़ाने पे कुछ आउटकम भी निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, एंड आई विल आल्सो शो माय नोड एमसीयू टू यू। निकिता सृष्टि, बाकी लोग और किसी का चला भाई? ओके, सो दिस इज द नोड एमसीयू। Right, this is the phone which I have blue lights on. ठीक है, तो ये आपका चल गया, as you can see कि मेरी जो लाइट है वो ऑन हो गई है, लाइट्स ऑफ। ठीक है, so just by speaking you are able to control your LED. here we have only controlled a simple LED. ठीक, let me open the serial monitor also and you can see that serial monitor भी ही command आपकी change हो जाएगी। so what I am receiving, let me just click this auto scroll. फिलहाल what I am receiving is LED off, क्योंकि last command यही receive हो रही थी, last command LED off है, lights on sir। Bring the lights. ठीक है, so now as you can see, serial monitor पर भी LED on मिलना शुरू हो गया है और आपकी Node MCU की LED जो है वो on हो गई है। Sir, ठीक है, now yes, please go ahead. कौन पूछ रहा था भाई? Sir Vinay. Yes Vinay, please tell me. Sir, इन टिप्पे भी ये अपन को जो नेगेटिव बना है इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्या? लाइट्स ऑन ऑफ का बोलेंगे? नहीं, थिंकिंग स्पीड पे कुछ नहीं करना बेटा, अब तो सारी चीजें अपने आप हो रही है ना, शुड बी अ फुल्ली ऑटोमेटिक। एक बार आपने सेटअप कर दिया, अब कुछ नहीं करना है अपने को, जस्ट अगर आपको थिंकिंग स्पीड पे चेक करना है तो इस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा बस। तो ये एलईडी ऑन हो गया, लास्ट कमांड जो रिसीव हो रही थी एलईडी ऑन है, एज यू कैन सी इन दिस सीरियल मॉनिटर, दिस इज व्हाट आई एम रिसीविंग। ओके सर, तो जस्ट अब ये पूरा कंप्लीट सिस्टम बन गया है। ठीक है, इसमें और कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सो नाउ हाउ मेनी W वी हैव टुडे? 1 2 ओनली 5 6 W आई हैव। व्हाट अबाउट अदर पीपल? तो शालिनी वर्किंग 2, विपिन 3, आरुषि 4, देन पवन 5, तूर 6, निकिता 7, सृष्टि 8, वर्षा 9, भास्कर 10, तनुश्री 11। जी विनय सर, मैं रिफ्रेश करने पे सर ऑन ऑफ यहाँ सिर्फ ऑफ ऑफ शो हो रहा है क्या बेटा? फिर से बोलो, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। रिफ्रेश करने पर सर ऑन ऑफ नहीं हो रहा सर, सिर्फ ऑफ ऑन शो हो रहा है। मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही या एक yes, बार sir. हो रही है, दूसरी बार नहीं हो रही, क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रही सर, जो है वो है, जो है वही रह रही है।
तो आपने बेटा यूआरएल में कोई गड़बड़ करी, आपने यूआरएल चेंज कर दिया था आपके हिसाब से, ये तो मेरा यूआरएल था, आपने यही कहीं तो नहीं यूज कर लिया? नहीं सर, सिर्फ हमने एलईडी ऑन किया ऑफ किया था, बाकी सब सेम हमारा वाला ही था सर। मतलब ये सारी चीजें से? अच्छा, आपका पिछला वाला चला था जिसमें ऑन हो रही थी एलईडी, वो चल रहा था? हमने दो बार किया ना कर रहा सर, आई टाइप तो किया जी। देखो सर वो भी वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं। सबसे पहले एक काम करो आप विनय, जस्ट चेक वन थिंग, यहाँ पे एडिट टॉकबैक में जाओ, ठीक है, और इसको बिगाड़ दो, ये जो स्ट्रिंग है ना इसको कुछ ऐसा कर दो कि थी नहीं, लेट्स मेक इट सम रैंडम वैल्यू, इसको सेव कर दो, ठीक है। अब ट्राई करो, दोनों कमांड्स ट्राई करना गूगल असिस्टेंट से, कोई भी अगर एक सही से किया होगा तो वो कमांड स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगी। और मुझे ये भी बताओ कि गूगल असिस्टेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, मतलब अगर वो कर रहा है तो आई एफ ट्रिपल टी वाला पार्ट सही है फिर। सो मीनवाइल दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, ठीक है। कर रहा है मतलब गूगल असिस्टेंट आई एफ ट्रिपल टी आपने सही सेट किया। आई एफ ट्रिपल टी में अब आपने जो एक पॉसिबल मिस्टेक करी है ना, वो बस ये करी है कि आपने यूआरएल में कहीं कोई गड़बड़ कर दिया, तो कोई एंटर प्रेस कर दिया है कहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। ट्राई दिस पुट मेथड, वैसे ब्राउजर पे चलती तो नहीं है, लेट मी जस्ट ट्राई वेदर इट विल फंक्शन समथिंग ऑन। ओके इट इज वर्किंग राइट, सो यू कैन चेक दिस। ओके सर, बट मैंने तो एलईडी ऑन भेजा, ये क्यों मेरे को पुराना वाला रिस्पॉन्स कर रहा है? लेट मी रिफ्रेश दिस। अच्छा कुछ नहीं हो रहा उससे भाई, ऐसा करने से कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट वो कमांड स्ट्रिंग रिस्पॉन्स कर रहा है बट चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज ब्राउजर पे डायरेक्टली पुट मेथड नहीं चलती है। जितने लोगों का अभी हो गया है, दे हैव एनी क्वेरीज दे कैन आस्क और दे कैन लीव। एंड पवन एंड आयुष प्लीज क्रिएट अ फॉर्म फॉर दिस ट्रेनिंग राइट सर, एंड दे विल गिव देयर फीडबैक टिल सर। एडिट करके नहीं कर सकते क्या बेटा? मतलब जो अपन ने आई एफ ट्रिपल्टी पे लाइव टॉक का प्रोग्राम बनाया है, मतलब उसको अपन चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कि न्यू बनाना पड़ेगा? एडिट कर सकते हैं बेटा सर, कैसे एडिट कर सकते हैं? लेट मी जस्ट टेल यू कहां से होगा। जैसे ये है आपका, ठीक है, ये मेरा ब्लू लाइट ऑन है, आया कहां से? तो आप आपके अकाउंट में जाइए, यू विल हैव दिस ऑप्शन कॉल्ड माय एप्लेट्स, ठीक है, साथ साथ में करते जाइएगा। जिसका भी नहीं हुआ है वो रुक जाए, थोड़ा डीबगिंग सीख ले, और जिसका हो गया है दे कैन लीव, ठीक। इसके बाद में विनय माइक ऑन रखना, ये दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको जो अभी आपने बनाए, ऑफ और ऑन दोनों वाले? यस सर। आप गए कहां पे? माय एप्लेट्स पे चले गए, क्या ये दोनों दिख रहे हैं ऑन? ब्लू लाइट ऑफ, ब्लू लाइट ऑन दोनों? यस सर। लेट से ये मेरे को पहला वाला चेंज करना है, तो उस पर क्लिक करिए सबसे पहले, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है सर। इसके बाद ये सेटिंग्स ऑप्शन, सेटिंग्स में चले जाइए। आप मोबाइल पे कर रहे हो, लैपटॉप कर रहे हो? मोबाइल पे, तो सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है वहां पे सर? सेटिंग वाले, हाँ दिख रहा है सर, उस पर क्लिक किया। हाँ उसके ऐसा कुछ ओपन हो रहा है क्या? इसमें यूआरएल है, सॉरी सबसे पहले है ना यूआरएल तो है, इसको सही करिए। अब आप चेक करिए कहीं कोई एंटर तो नहीं प्रेस कर गया है? एंटर नहीं सर, फुल स्टॉप नहीं लगाया था लास्ट में। कहाँ फुल स्टॉप है, कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं है तो सर बाकी तो ठीक है सर, बिल्कुल कोई इंटरव्यू नहीं सर, में लाइट ऑफ के एलईडी ऑफ लिख दिया है। एलईडी ऑफ लिख दिया आपने, पहले क्या लिखा था वहां पे? एलईडी ऑफ ही लिखा था सर। अच्छा मैं चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले शुरू कहाँ से हो रहा है मेरे को बताओ। और यू कैन डू वन थिंग, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, आप स्क्रीन शेयर कर दो, वो पता चल जाएगा ना। यस सर, मिस आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन, यू स्टार्ट शेयरिंग योर्स। सर
api.https/talkback ये बेटा ये इसमें और कॉम के बीच में एक बार backspace प्रेस करके देखो यहाँ पे एंटर तो नहीं आ गया इधर कहाँ पर thinkspeak.com के जस्ट बाद एक स्लैश है नीचे की लाइन में हाँ यहाँ पे backspace करो क्लिक ठीक है m टाइप कर दो m गायब हो गया है ना ठीक है ये तो सही है टॉकबैक्स ये टॉकबैक आईडी सही है आपकी 390571 आपकी है यस सर बैठो हाँ चेक कर लो थिंक स्पीक पे क्या है 390571 बिल्कुल सही है 3T से X0 तक ठीक है चलो जाओ वापस उस पे और ये है 1855 तो 1855 मेरे ख्याल में ये तो सही है इसको चेक करो ये 3TX0 एक आध शब्द और है क्या वहां पे API की में चेक करिए ये जीरो है वहां पे वो जैसा क्यों दिख रहा है आपने टाइप करा है क्या ये आपने टाइप किया है नो सर कॉपी करा है कॉपी करा है कॉपी करो फिर से कॉपी करो उसे नहीं ये थोड़ी कॉपी करना है वहां से कॉपी करो ना API की थिंकस्पीक ऐप से इसको छोड़ दो थिंकस्पीक ऐप से जस्ट API की कॉपी करो जी अब इसको जाओ उस वाली API की में पेस्ट कर दो इधर पे हाँ थिंकस्पीक में सिर्फ API की जगह API की इसी वस्तु के बाद से M% के पीछे तक वही है ठीक है नीचे स्क्रोल करो ये तो सही दिख रहा है मुझे URL आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत है ये आपने पुट मेथड लिया है ये सही किया है और नीचे जाओ ठीक है इसको सेव कर दो अब मेरे को एक चीज बताओ yes, sir. आप जो जीमेल अकाउंट यूज कर रहे हो फोन पे और IFTTT के लिए क्या वो सेम है yes, sir. यही आएगा जीमेल अकाउंट यही है विनय त्यागी 7654 अच्छा तो बोल के देखाओ क्या हो रहा है लेट मी सी द रिस्पॉन्स सर ये मतलब गूगल असिस्टेंट ऑन नहीं हो रहा है और उसको ऑन कर रहा है तो ये मोबाइल हैंग हो रहा है बार बार तो बेटा फिर कैसे चेक कर रहे हो चल रहा है कि नहीं चल रहा है फिर मैं क्या बताऊं तुम्हें हाँ सर अगर हम गूगल सर्च पर सर्च कर रहे हैं रीसनिंग ही नहीं हो रहा है हेलो हाँ तो टाइप करने का ऑप्शन अगर आ रहा है तो टाइप करो आई डोंट नो यहाँ टाइप करने से कुछ होता है कि नहीं ट्राई करके देखो मुझे प्ले स्टोर पर टाइप करो मैंने सॉरी सर लाइट ऑफ है मीनिंग लाइरिक्स वो सारी चीज आ रही है सर बाद में ट्राई कर लेंगे थोड़ा देखने के बाद बाद में गूगल असिस्टेंट ओपन ही नहीं हो रहा क्या आपका नो सर होम की आप प्रेस कर रहे हो तो क्या हो रहा है होम की प्रेस कर रहे हो तो क्या हो रहा है मोबाइल हैंग हो रहा है सर मतलब वो टच नहीं हो रहा है देखिए सर हाँ तो गूगल असिस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड प्रॉपरली फंक्शन तभी होगा आगे है ना किसी और के फोन से करके देखना घर में किसी और के फोन से करके देखिएगा और या फिर ये आयुष आपको सजेस्ट कर रहा है कि गूगल पे गूगल सॉरी प्ले स्टोर पर गूगल असिस्टेंट ओपन कर लो सो डू दैट करके देख लो प्ले स्टोर पे जाओ ओके टैप टू स्पीक सर ये सब आवाज सारा सर नेटवर्क नॉट कनेक्टेड और नेटवर्क फुल नहीं चल रहा है नेटवर्क नॉट कनेक्टेड आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम और मैं बात ही नहीं कर पाते बिकॉज़ यू आर यूजिंग द पिन सर्च फॉर गूगल असिस्टेंट करो भैया आयुष क्या बोल रहा है नॉट वेरी गुड एट इट क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि प्ले स्टोर पे गूगल असिस्टेंट टाइप करो गूगल असिस्टेंट सर्च करो प्ले स्टोर पर इसको क्या अपडेट करेंगे अपन डेट वेटिंग फॉर डाउनलोड फोन में
करो ओपन, अब करो हो गया ना इंस्टॉल, ओपन करो सर। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल हो गया, नहीं वैसे टच कर रहे हैं इसको। ओके अब तो चलने लगा, अब बोलो। Can't reach Google at the moment. Lights off. ओके कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम बता रहा है फिलहाल, अब शायद चलने लगा। देखो अब रिस्पांस आया ना, मैं आपके क्या कर सकता हूँ, आप ट्राई करो या टाइप कर दो, बोलो नहीं। लाइट्स ऑफ, लाइट्स यू कैन आल्सो टाइप। यस सर बाकी मन लगा आई थिंक हो गया। आप थिंक स्पीक पे चेक करो चेंज हुआ या नहीं वो एलईडी ऑफ, तुमने तो कुछ गड़बड़ स्ट्रिंग डाली थी वहां पे। चेक इन थिंक स्पीक, इसको रिफ्रेश कैसे करते हैं? ओके यस सर वर्किंग, वर्किंग चलिए वेरी गुड है ना। सो डू दी सेम फॉर एलईडी ऑन, ठीक है सर। ओके ग्रेट, और किसी का कोई डाउट प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स। तो थैंक यू एवरीवन, आगे आपका कोई सेशन होगा आफ्टर दिस ट्रेनिंग तो जरूर बता दीजिएगा सर। यस तनुश्री आई विल टेल यू, आई गेस माय पार्ट इज ओवर इन दिस ट्रेनिंग, यू आर ओनली लेफ्ट विद आयुष एंड पवन फॉर द प्रोजेक्ट पार्ट, उसको ठीक से करिएगा एंड we'll see right, if they need help, if you want to contact me, you have my let me share my mail id, right? You can write to me if you have any issues, you already in my WhatsApp group. Yeah, thank you Sahil, thank you so much, I appreciate that you are liking. So just fill the feedback form, right? Ayush will be creating a feedback form about whatever we have learned in all these 14 days and fill it, what improvements you want to see in this training, right? So just mention, or Ayush try to make it anonymous, right? Email ID वगैरह accept मत करिए, just try to make it anonymous. किसी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया नहीं तो फिर लोग बाग अच्छा अच्छा ही लिखेंगे, राइट? वी विल नॉट गेट व्हाट वी वांट। यस चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड और द नाइट व्हिच एवर इज लेफ्ट, राइट? यू ऑल हैव, बहुत लोगों में से आपसे मिला हूं मैं, इट्स ग्रेट टू कंडक्ट दिस ट्रेनिंग, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय।